हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिंदी गद्य पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा एक एक नंबर का होगा पांच बहुविकल्पी प्रश्न आएगा तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें यदि आप चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम पंचानवे परसेंट तक रिजल्ट बने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से अभी जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों का फ्री में तैयारी कराया जा रहा है बोर्ड एग्जाम दो की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है घर बैठे आप कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं स्कूल कॉलेज कोचिंग जाने वालों से भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं यदि आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं तो जो जो बताया जाए उसको आप तैयार करते चलिए एक नोटबुक बना लीजिए अलग अलग सब्जेक्टों का जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप तैयार कर लीजिए हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ कह रहा हूं जो भी मैं बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बस आप इसको तैयार कर लीजिए यहां पे मैं कुछ वह क्वेश्चंस कराने वाला हूं जैसा कि आपको पता है कि मैंने हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय के बारे में मैंने आपको बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट लेखक थे उनकी जो रचनाएं थी जो उनकी विधाएं थी मैंने सब कुछ बता दिया है अब आप देखेंगे वहां से ही क्वेश्चन इस वीडियो में बनने वाला है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ठीक है और यहां से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा मैं ये भी दावे के साथ कर रहा हूँ जितना मैं यहाँ पे वहवैकल्पिक क्वेश्चन कराने वाला हूँ यदि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो और लिख लख कर इसको रख लो देखना जो मैं बता रहा हूं इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा इसी के अंतर्गत पांच क्वेश्चन फंसने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ विकल्पिक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए जो मैं कराने वाला हूँ इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो तैयारी करते चलिए मेरे साथ रोज बने रही जो जो मैं तैयार करा रहा हूँ उसको रोज रोज पढ़ते चलिए ठीक है और नोटबुक बना के रख लीजिए जैसे एग्जाम करीब में आएगा तो एक नजर आप दौड़ा के चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने सभी के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे देखिए अगर आप पंचानवे परसेंट रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो यह सबसे बड़ा हथियार है कि आप बहुविकल्पी क्वेश्चनों को गड़बड़ ना करें बीस बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा बीस अगर आप सही कर लेते हो तो तीस स्कूल से मिल रहा है बीस आपका यहाँ पर बहुविकल्पी सही हो जाएगा तीस बीस पचास अर्थात पचास परसेंट रिजल्ट आपका ऐसे ही बन जाएगा अब पचास नंबर का वारात्मक प्रश्न आएगा जिसमें से आप पैंतालीस चालीस पचास का पचास अड़तालीस ला सकते हो अच्छे खासे रिजल्ट आप ला सकते हो बस इस चैनल से आप जुड़े रहो किस तरीके से

उन्नीस ईस्वी तक क्या होता है शुक्ल युग होता है ठीक है क्लियर अगले वीडियो मैंने बताया था आपको इसके पहले हिंदी गद्य के विकास पर संक्षिप्त परिचय के बारे में मैंने जब बताया तो उसमें लेखक की रचनाओं के बारे में बताया उनकी विधाओं के बारे में बताया था जो स्टूडेंट वह वीडियो नहीं देख पाए हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया आप वहां से जाके देख लीजिए या बोर्ड एग्जाम दो का आप लिस्ट खोलिए वहां पर जाके देखिए सभी वीडियो आपको मिलेंगे ठीक है चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है तो देखिए मैं यहाँ पे कहो तो ऑप्शन पढ़ते चलूं या सीधा आंसर आंसर कराते चलूं जैसा आपका इच्छा हो मैं चाहता हूं कि देखिए ये सब समय सीमा वालों का ऑप्शन ना पढूं क्योंकि सिर्फ इसका मैं आंसर आंसर बता दूं देखिए जाहिर सी बात है जब शुक्ल युग की समय सीमा देखिए यहां मैंने बताया जब शुक्ल युग की समय सीमा उन्नीस सौ अड़तीस उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी से उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी तक हो सकता है तो शुक्लोत्तर की जाहिर सी बात है उन्नीस सौ अड़तीस के बाद होगा अब आप देखिए उन्नीस सौ अड़तीस किसमें दिख रहा है तो देखिए यहाँ दिख रहा है पहले ऑप्शन में उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी से उन्नीस सौ ईस्वी तक तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा या कलावधि होगी वो उन्नीस से लेकर उन्नीस सौ ईस्वी तक होगी ठीक है लिखते चलिए एक नोटबुक आप जरूर बनाइएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा ये नहीं मैं बता दिया आप एक बार वीडियो देख लिए तो एक बार में तैयार होने वाला है नहीं भैया ठीक है आपको इसको लिखना पड़ेगा एक नोटबुक में लिख लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए भैया बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में जान लीजिए मैं अपना दस साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर झोंक रहा हूँ बता रहा हूँ आपको इसलिए ताकि आप पंचानवे तक रिजल्ट प्राप्त कर सको घर बैठे कम समय में बेहतर तैयारी कर सको इस चैनल के माध्यम से ठीक है चलिए अगला जो क्वेश्चन है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है मैंने अगले ही वीडियो में बता दिया था कि यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है और बनेगा भी शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या क अगला जो क्वेश्चन है हमारा शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं यहाँ क्या बोला है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बोला है तो क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक आप देखिए जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए और उसी के अनुसार आप इसको देखते चलिए तो ठीक है तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं तो शुक्ल युग के देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर नारे नागेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी बाबू गुलाब राय और इनमें से कोई नहीं तो जो चौथे का सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा बाबू गुलाब राय जी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी लक्ष्मी नारायण मिश्र विष्णु प्रभाकर धर्मवीर भारती तो यहां से शुक्ल युग का इतिहासकार पूछा गया था पहले वाले क्वेश्चन चौथे में अब यहां से नाटककार पूछा जा रहा है तो हरिकृष्ण प्रेमी जी क्या है नाटककार है शुक्ल युग ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ वैविकल्पिक क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ जो समझाने लायक टॉपिक रहेगा वहाँ पे मैं समझाते भी आपको चलूंगा बोला है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर छाटिए एक इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा याद करके रखी लीजिए दिमाग में दर्शा लीजिए कि सर ने क्या बताया था देख लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक आएगा ही आएगा तो देखिए पहला ऑप्शन है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, जी नहीं ये गलत है यहाँ बोला कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है बोला अगला ख ऑप्शन है क्या भूलू क्या याद करूं उपन्यास विदा की रचना है जी नहीं ये भी गलत है अगला गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं जी ये राइट है आपका ये ऑप्शन राइट अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर छह का ग होगा ये सही है अब हम देखेंगे जो इन ऑप्शनों में गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ उसको हम समझते हैं ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है जी नहीं ध्रुव स्वामी देखिये यहाँ पे मैंने बता दिया ध्रुव स्वामी जो नाटक है देखिए एक चीज यहाँ पे तैयार हो जा रहा है आपका कि स्वामी रचना है किस विधा की रचना है नाटक विधा की रचना है अगर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखते हैं तो सब कुछ यहीं से तैयार होता चला जाएगा स्वामी किस विधा की रचना है नाटक विधा की रचना है लेकिन इसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी नहीं है ध्रुस्वामनी के लेखक जो हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं कहो तो यहां पर मैं लिख दूँ देखिये जयशंकर प्रसाद जी क्या है ध्रुव के लेखक हैं तो बोला है कौन सा कथन सही है तो गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं ध्रुव के लेखक रामकुमार वर्मा जी नहीं हैं ध्रुव के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं अगला है क्या भूलू क्या याद करूं उपन्यास देखिए क्या भूलू क्या याद करूं क्या है उपन्यास विधा की रचना है तो यहाँ पे लेखक ने देखा बोला किस विधा की रचना है तो क्या भूलू क्या याद करूं? ये उपन्यास नहीं है यह क्या है आत्मकथा है ठीक है क्या भूलूं? क्या याद करूं? किस विधा की रचना है आत्मकथा विधा की रचना है न कि उपन्यास विधा की रचना इसलिए यह कथन भी असत्य हो जाएगा और यह सही है क्योंकि गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं अब देखते हैं घ नंबर क्यों गलत हो रहा है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्यामुंदर श्याम सुंदर दास जी हैं देखिए मित्रता तो एक निबंध है ये क्लियर है ठीक है मित्रता क्या है इसकी विधा क्या है निबंध है लेकिन इसके लेखक श्याम सुंदर दास जी नहीं है तो इसके लेखक कौन है इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी याद रखिएगा, ठीक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखना चाहें तो आप कहीं पर अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा ठीक है मैंने समझा दिया है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं आपने इतिहासकार देखा शुक्ल युग का नाटककार देखा अब आप देखिए शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं तो शुक्ल युग के उपन्यासकार कौन हैं या प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है इस तरीके से आपसे पूछ सकता है तो देखिए पहला ऑप्शन है रांगे राघव दूसरा है धर्मवीर भारती तीसरा है भगवती चरण वर्मा और चौथा है मन्नू भंडारी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी उपन्यासकार हैं शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद जी या निराला जी तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि आकाशदीप के लेखक कौन हैं फिलहाल नहीं आपने वो वीडियो देखा है तो देख लीजिए इसके लेखक कौन है जयशंकर प्रसाद जी चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ मेरे साथ आप बने रहिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई आप लिख रहे होंगे आपको पता होगा कि कितना समय लगता है लिखने में तो मैं तो यहाँ पर लिखता ही नहीं हूँ पूरा आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस झोंकता हूँ पूरा बताता हूँ कि क्या फंसने वाला है क्या नहीं फंसने वाला है जो इम्पोर्टेंट है वही बताता हूँ ठीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और बोर्ड एग्ज़ाम में पंचानवे परसेंट तक रिजल्ट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों का फ्री में घर बैठे आपको तैयारी करा दिया जाएगा और क्या क्या पढ़ना है सिर्फ वही बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में सटीक फंसने वाला है हंड्रेड परसेंट फंसने वाला है वही सभी सारी चीजें बताई जाएंगी ठीक है तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं. तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है कवि हैं उपन्यासकार हैं आलोचक हैं नाटककार हैं अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन एक कराया आपको याद होगा देखा होगा आपने इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया तीसरा शायद चौथा था आप एक, एक बार देख लीजिएगा उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस लिए प्रसिद्ध हैं मैंने उसमें आपको बताया था क्या इसलिए प्रसिद्ध हैं आलोचक हैं क्या हैं आलोचक हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान किस युग का उपन्यास है गोदान गोदान किस युग का उपन्यास है चलिए इसको हम देख लेते हैं तो गोदान शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग द्विवेदी युग या आधुनिक युग तो गोदान जो है ये क्या है शुक्ल युग है किस युग के लेखक हैं किस युग का ये उपन्यास है शुक्ल युग का ठीक है नेक्स्ट है पहला वीडियो जो देखा होगा वह आसानी से इस वीडियो के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहा होगा हिंदी गद्य के विकास में क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया था ये वह क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं बता रहा हूं ठीक है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा इसमें से कौन सी है तो गुलाब राय द्वारा रचित जो आत्मकथा है वह है मेरी असफलताएं अर्थात इसकी राइट आंसर हो जाएगी अ नंबर ठीक है अब यहाँ पे फंस रहा है कि बाकी जो ऑप्शन है उनकी रचना कौन कौन है देखिए मेरी जीवन प्रवाह तो मेरी जीवन प्रवाह की जो रचना रचनाकार हैं वो वियोगी हरिजी हैं ठीक है लिख लीजिए लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वियोगी हरि जी ठीक है क्या कि इनके रचनाकार कौन है मेरी जीवन प्रवाह के वियोगी हरि जी अब मन की बातें मन की बातें के रचनाकार जो है वो क्या है बाबू गुलाब राय जी है ठीक है तो लिख लीजिए गुलाब राय जी है और मेरी असफलताएं तो आपको पता है इसके लेखक कौन है गुलाब राय जी हैं और यहाँ पे नई पौध नई पौध के लेखक कौन है नागार्जुन जी ठीक है कौन है नागार्जुन जी अगर आपसे पूछ लिया जाए इनकी विधा कौन है जैसे यहाँ पे देखिए मेरी असफलताएं आत्मकथा है तो मेरी जीवन प्रवाह क्या है ये भी क्या है आत्मकथा ही है ठीक है ये क्या है आत्मकथा है और मन की बातें ये क्या है निबंध है याद रख लेना लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा और मेरी असफलताएं आत्मकथा है, है। नई पौध नई पौध जो है ये क्या है उपन्यास है ठीक है तो क्लियर हो गया मैंने आपको सभी ऑप्शनों का यहाँ पे देखिए विस्तार से मतलब समझा दिया है कि इसके लेखक कौन है इनका उपन्यास इनका विधा कौन सा है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंस पत्रिका के संपादक थे हंस पत्रिका के संपादक कौन थे मुंशी प्रेमचंद जी अर्थात इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है अब देखिए चार ऑप्शन दिया है इसमें आप देखिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बोला था ना किस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा उनकी रचनाएं देकर बोल देगा कि उनका नाटक नहीं है उनकी रचनाएं नहीं है तो यहाँ बोला है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है ध्रु चंद्रगुप्त लहरों के राजहंस या स्कंद गुप्त तो जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक नहीं है चलिए मैं आपको बताता हूँ देखिए इसमें जो ग है ये नहीं है ग देखिए ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंद गुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है लेकिन लहरों के राजहंस जो है यह है किसका लेखक है ये मोहन राकेश जी का नाटक है ठीक है किसका है मोहन राकेश इसके लेखक कौन है मोहन राकेश अपने नोटबुक में इसको लिखते चलिए इतना बढ़िया आपको कोई समझाने वाला है नहीं ठीक है फटाफट आपको रट्टा मरवा देगा और रट्टा कि किसी काम का नहीं ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पे समझाते चल रहा हूँ एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताते चल रहा हूँ ठीक है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उसका जवाब देकर आ पाओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है आपको मैंने अगले वीडियो में बताया था मुंशी प्रेमचंद जी अर्थात ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी खबर आत्मकथा है किसकी आत्मकथा है अपनी खबर पंद्रहवा नंबर क्वेश्चन है अपनी खबर किसकी आत्मकथा है तो पांडे वेचन शर्मा अर्थात उग्र की ये आत्मकथा है नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी अर्थात ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा आप इसको लिखते चलिए ठीक है अपने नोटबुक में फटाफट लिखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रहवा पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है तो मथुरा नाथ शुक्ल जी इनके लेखक है ठीक है अठारहवा क्वेश्चन है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया है तो अठारहवा का घ ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन गद्य के गद्य को कवियों की क्या कहा गया है भंगिमा, कसौटी ताल रेखा तो क्या कहा गया है गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है ठीक है दोस्तों तो ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सभी को लिखते चलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2025 में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो तैयार कर लीजिए सब क्वेश्चन यहीं से फसने वाले हैं कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है सब यहीं से तैयार करना है ठीक है और यहीं सब क्वेश्चन फसने वाले हैं तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बार बार आता है तो गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं जी नहीं भारतीय हरीश्चंद आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं जी नहीं गेहूं और गुलाम निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनी जी हैं जी हाँ तो ये क्वेश्चन इसका राइट right आंसर जो होगा ग वाला होगा अब बाकी हम समझते हैं कि बाकी गलत है तो उसके लेखक कौन है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं जी नहीं गुनाहों के देवता के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं ठीक है कौन है धर्मवीर भारती जी लिख लीजिएगा ठीक है भारतीय हरिश्चंद आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं जी नहीं आलोचना साहित्य के जनक हिंदी के भारतीय हरिश्चंद जो हैं वो हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं किसके हिंदी साहित्य के ठीक है हिंदी साहित्य के जनक माने जाते आलोचना के नहीं हिंदी साहित्य और हिंदी रंग मंच के जनक माने जाते हैं ठीक है किसके हिंदी रंगमंच के तो याद रखिएगा हिंदी रंगमंच का जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिचंद की आलोचना के ओके और नेक्स्ट आपको पता है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम बिर बेनीपुरी जी हैं ये तो सही है अब अगला है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं जी नहीं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दीनकर जी तो लिख लीजिएगा भैया जो बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ओके समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर या दोनों का मतलब एक ही है दोनों एक ही नाम है क्वेश्चन बदल सकता है आप कंफ्यूजन मत पड़िए आपसे बोल दे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है या बोल दे छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है इसलिए मैंने दोनों नामों को यहाँ पर ले लिया है दोनों का मतलब एक ही युग से है ठीक है तो युग के प्रमुख कवि जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ठीक है क्लियर हो गया चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ नंबर कलम के सिपाही अर्थात कलम का सिपाही के लेखक कौन है अगले वीडियो मैंने बताया था अगर नहीं देखा है आपने तो नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे फिलहाल चलिए यहां पर मैं करा दे रहा हूं ठीक है कलम का सिपाही के लेखक हैं तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है अमृत राय जी नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य और कला रचना है तो पद्म लाल पूनाला की जी नहीं सुमित्रालाल नंदन पंत की जी नहीं भगवत शरण उपाध्याय की जी हाँ तो साहित्य और कला किसकी रचना है भगवत शरण उपाध्याय कि सब मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियो में आपने नहीं देखा है तो मैं क्या करूं फिलहाल यहां पे आप देख लीजिए अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर उसको भी आप देख लीजिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है या चैनल के प्ले में जाइए वहां पर लिखा है क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम दो उसमें आप जाएंगे तो सभी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा मैला आंचल के रचनाकार हैं मैला आंचल तो फलेश्वर नाथ रेणु सब बताया गया है अगले वीडियो में यहाँ पे सब आंसर कराते चल रहे हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक है शुक्लोत्तर युग के किस युग के शुक्लोत्तर युग के तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंदलाल लाल वाजपेयी दोनों हैं तो क्या हो गया शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं और नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं अब आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा या तो हजारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दे देगा या नंद दुलारे वाजपेयी दे देगा तो याद रखिएगा कोई एक ऑप्शन देगा इनमें से तो एक ही सही करिएगा अगर दोनों दिया है तो दोनों सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं किस युग के शुक्लोत्तर युग के तो शुक्लोत्तर युग के ईला जोशी और मोहन राकेश दोनों हैं अर्थात इसका ऑप्शन ग इसका भी सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अथा सागर के लेखक हैं तो जयप्रकाश भारती जी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया फटाफट हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं जहां समझाने लायक है वहां पे मैं आपको समझा देता हूं ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन है लहरू के राजहंस के लेखक का नाम है तो मोहन राकेश जी सब सब ये सब पहले आपके वीडियो में बता दिया गया है कि कौन किसके लेखक है क्या आपको तैयार करना है क्या नहीं गेहूं और गुलाब किसकी रचना है ये भी मैंने आपको बता दिया है फिलहाल नहीं देखा देख लीजिए रामरिच वेनीपुरी जी हैं अभी मैंने बताया अभी इसके पहले और तीसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्तिसहवा अर्धनारीश्वर के लेखक हैं तो विष्णु प्रभाकर जी हैं ठीक है फटाफट इसको देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है बत्तीसवा नंबर क्वेश्चन है ठीक है तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है दृष्टिकोण है ठूठा आम है ठेले पर हिमालय है या नदी के द्वीप हैं तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ठूठा आम भगवती शरण उपाध्याय का जो यहाँ पर निबंध है वो ठूठा आम है बाकी दृष्टिकोण किसका है तो दृष्टिकोण जो है वह श्रीनिवास दास जी का है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ श्री निवास दास जी इसके लेखक कौन है श्रीनिवास दास जी और ये जो दृष्टिकोण है यह क्या है नाटक है ठीक है और ये ठूठा आम तो आपको पता है कि निबंध है यहाँ पहले से ही बोल दिया है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है तो ठूठा आम है अब ठेले पर हिमालय तो ठेले पर हिमालय के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी ठीक है इसको लिख लीजिए धर्मवीर भारती जी और ठेले पर जो हिमालय है ये क्या है निबंध है क्या है निबंध है और नदी के द्वीप इनके लेखक कौन है अज्ञे जी हैं ठीक है कौन है अज्ञा जी और ये क्या है उपन्यास है क्लियर हो गया चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अनंत आकाश के रचनाकार हैं ये सभी पहले वीडियो में बता दिया गया है बस यहाँ पर क्वेश्चन कराया जा रहा है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में हो बहु ऐसा ही आएगा और मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी ले रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो तैयार करके जरूर जाइएगा बोर्ड एग्जाम में जो मैं बता रहा हूं अपने नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा अनंत आकाश के रचनाकार हैं और धर्मवीर भारती जी जी नहीं जयप्रकाश भारती जी हाँ तो अनंत आकाश के रचनाकार है जयप्रकाश भारती जी नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं अज्ञा जी क्लियर चलिए थोड़ा क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव तौलिय किस विधा पर आधारित है यहाँ पर विधा पूछ लिया गया जैसे नाटक निबंध कहा एकांकी कहानी ये सब विधाएं होती हैं लेकिन किस विधा की रचना है तौलिए तो ये निबंध सॉरी तौलिए एकांकी है और तो ये किस विधा की रचना है एकांकी एक की विधा की रचना है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग एकांक एक की ओके अब छत्तीस नंबर क्वेश्चन है सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है सूरज का सातवां घोड़ा तो ये उपन्यास विधा की रचना है नेक्स्ट क्वेश्चन है सैतीसवा भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है तो ये किस विधा की रचना है एकांकी एक विधा की रचना है यहां पर मैं सिर्फ विधा से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं थर्टी एट नंबर है त्याग पत्र किस विधा की रचना है तो त्याग पत्र उपन्यास विधा की रचना है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी नाइन तीतली तीतली किस विधा की रचना है सब मैंने करा रखा है पहले वाले वीडियो में लेकिन आपने देखा नहीं है इसलिए अपने साफ कर पा नहीं पा रहे और जो कर पा रहे हैं वो उस पहले वीडियो को देखे होंगे इसलिए वह कर पा रहे होंगे हिंदी गद्य के विकास का जो वीडियो मैंने बताया था तो उसमें लेखक रचनाएं विधा बताया था वह वीडियो जो जो बच्चे देखें वो आसानी से सभी प्रश्नों का जवाब दे पा रहे होंगे उनतालीस नंबर का जो होगा तितली कृति कृति किस विधा की है तो उपन्यास विधा की है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है तो ये किसका विधा की रचना है दोस्तों आत्मकथा विधा की रचना है तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में मैंने आपके पांच नंबर की तैयारी अब करा दी है यहां से आपका पांच नंबर समझ लीजिए स्टाम्प लग गया है पक्का हो गया ठीक है मुंह लग गया है पांच नंबर पर अब आपका पांच नंबर यहाँ से भटकने वाला कहीं पे जाने वाला है नहीं इस पांच नंबर के लिए आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद पाँच नंबर यह वीडियो देखे जाने वाला है और आप पंचानवे परसेंट तक रिजल्ट लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए जो जो तैयारी कराया जा रहा है उसको मेरे साथ आप तैयार करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको उसको आप तैयार करते चलिए जो जो बता रहा हूँ ठीक है तो चलिए अगले वीडियो हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत